Good afternoon, students. This is Vikram Singh, Director of Competition Warriors. And we are very thankful to the students who जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. और पंजाब रेगुलर पटवारी के लिए हमारी सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्शन को उठाया है और दो वीडियोज हमारी इसमें आ चुकी हैं. और नेक्स्ट हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन बताया था, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्रॉप्स की. उनको कैटेगराइज करेंगे कि बॉटनी या वनस्पति विज्ञान उनको किस किस कैटेगरी में रखता है या उनकी कैसे ग्रुपिंग करता है. ठीक है, तो अगर वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए सिंपल डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. ठीक है, तो क्रॉप्स क्या है, वो प्लांट्स ही तो हैं. जब उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक गेन के लिए कल्टीवेट करते हैं, तो वो क्रॉप्स कहलाने लग जाते हैं. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी, जिसमें हमने पंजाब रेवेन्यू पटवारी के एंगल से इस टॉपिक को पढ़ना है, ना कि एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट के एंगल से, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है पंजाब रेवेन्यू पटवारी के लिए एग्रीकल्चर का, वो एक डिफरेंट फ्रेम है, उसको हम एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट की तरह से नहीं करेंगे. तो लास्ट टाइम पंजाब रेवेन्यू पटवारी में इस टॉपिक से सवाल उठा है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, आप इसको इसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, यहाँ से एक सीधा सवाल फिट होता है एग्जाम में. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की और उन क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम. यहाँ से पिछली बार पेपर में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के ऊपर सवाल आया था, हो सकता है कि इस बार बोटेनिकल नेम के ऊपर सवाल आ जाए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. तो टोटल बॉटनी ने 12 तरह की टाइप्स की क्रॉप्स की बात करी है, उनको क्लासीफाई किया है, उनको अलग अलग क्लासेस में रखा है, जिसमें हम आज तीन टाइप्स की क्रॉप्स की बात करेंगे. जैसे टाइप्स की क्रॉप्स की बात करें तो जैसे कि वो खाने वाली क्रॉप्स हैं, क्या वो क्रॉप्स ऐसी हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, क्या वो क्रॉप्स ऐसी जिनसे हमें फाइबर मिलता है, तो इस तरह से उसके टाइप को डिफाइन किया जाता है और इसलिए उसके बाद उनके बोटेनिकल नेम्स को याद किया जाता है. ठीक है, तो हमने आज तीन टॉप 12 में से टोटल 12 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में से तीन क्रॉप्स को उठाया है, जिसमें मैंने पहले उठाया सीरियल क्रॉप्स. देखिए सीरियल क्रॉप्स वही मतलब क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप्स जो अनाज के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो एज ए खाद्यान्न खाने के लिए इस्तेमाल होती है. ये एक शब्द है सीरीज, CERES, जो कि आपका आया है लैटिन भाषा से, और इसका मतलब है गॉडेस ऑफ ग्रेन, यानी कि अन्न की देवी. तो बहुत सारे देशों में ये जो आपकी क्रॉप्स हैं वो सीरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे पहले हमने उठाया है राइस को. राइस एक सीरियल क्रॉप है और ये एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है इसको, और राइस का बोटेनिकल नेम है राइजा सेटिवा. ठीक है, राइजा सेटिवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस एंड इट इज ए सीरियल क्रॉप, यानी कि अनाज. दूसरा है वीट, मैंने बताया था कि वीट को किंग ऑफ सीरियल्स कहा गया है. इसको किंग ऑफ सीरियल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में ये एज ए सीरियल्स उगाया जाता है, और इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट. इसके बाद थर्ड जो हमने सीरियल क्रॉप उठाया है वो है मेज, यानी कि मक्का. देखिए किंग ऑफ सीरियल्स अगर वीट को कहा गया है तो क्वीन ऑफ सीरियल्स मेज को कहा गया है, और मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स के साथ साथ मिराकल क्रॉप भी कहा गया है. इसको मिराकल क्रॉप या फिर क्वीन ऑफ सीरियल्स क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल टू यील्ड, के मतलब अगर हम इसको आर्टिफिशियल कंडीशंस दे दें तो ये एक बम्पर क्रॉप हमें दे सकता है, एक मतलब बहुत लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्शन की जा सकती है, इसलिए इसको मिराकल क्रॉप कहा जाता है मेज को या मक्का को, और इसका बोटेनिकल नेम है जी मेज. ये आपने याद कर लेना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. राइस और वीट के बाद भारत में इसकी इंपॉर्टेंस है थर्ड नंबर पर मेज. ठीक है जी, तो इसके बाद आपका कुछ लोग इसको, कुछ कंट्रीज जो इसको हैं, इसको फॉडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें अमेरिका की, तो उसको एज ए फॉडर लेता है, लेकिन एशिया में या इंडिया की बात करें तो इसको हम एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं. 6 टाइप के मेज की बात होती है, इनको कॉर्न्स भी कहते हैं. अमेरिका में इसको कॉर्न बोला जाता है, जैसे स्वीट कॉर्न है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए. वो हम जब स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्रॉप्स को तो हम देखेंगे. नेक्स्ट इन लाइन है पर्ल मिलेट, यानी कि इसको भी हम अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये एक मोटा अनाज है वैसे तो, और पर्ल मिलेट को हम हिंदी में बोलते हैं बाजरा. ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लॉकम. पेनिसेटम ग्लॉकम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट और बाजरा. ठीक है जी, इसको भी हम अनाज के तौर पर लेते हैं, सीरियल क्रॉप में लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है मोटे अनाज में. ठीक है जी, और इसको फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये सीरियल की कैटेगरी में रखा गया है. नेक्स्ट इन लाइन है सॉर्गम. सॉर्गम मीन्स जवार. देखिए ये अफ्रीका से में ये क्रॉप सबसे पहले आई थी, और जो सॉर्गम है बेसिकली इसको हम जवार बोल देते हैं, और 25 टाइप्स की वैरायटीज हैं, उसमें से एक वैरायटी है जो एडिबल, इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सॉर्गम बाइकॉलर. इसीलिए सॉर्गम बाइकॉलर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसी
आपकी वैरायटी है जिसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है 25 वैरायटीज में से, और इसको सोर्गम बाइकॉलर के साथ साथ सोर्गम वर्गारे भी बोला जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है सोर्गम मींस जवार, उसका बोटेनिकल नेम है सोर्गम वर्गारे या फिर सोर्गम बाइकॉलर। नेक्स्ट इन लाइन है बार्ले। बार्ले सीरियल क्रॉप है, यानी कि बार्ले मींस जौ, मींस जिसको हम एडिबल क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसको ड्रिंक्स बीवरेजेस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, हेल्दी ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका हम इससे सत्तू बनाते हैं, इसको पीस करके इसके पाउडर को हम पानी में मिला करके शक्कर में मिला करके पीते हैं गर्मी में, एज ए हेल्थ ड्रिंक। ठीक है जी, तो इसका बोटेनिकल नेम जो बार्ले का है, जौ का है, वो है हॉर्डियम वल्गारे। ठीक है जी, ये हमने 6 टाइप्स की क्रॉप्स की बात करी जो सीरियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर टाइप्स है सीरियल क्रॉप्स और उसका बोटेनिकल नेम्स अलग अलग, क्रॉप्स का आपने याद रख लेना है, ये पेपर में सवाल होता है। नेक्स्ट इन लाइन है मिलेट क्रॉप्स। देखिए मिलेट क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनके सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, मोटे अनाज के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि कोर्सर ग्रेन के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। और इसमें हमने एक ही क्रॉप उठाई है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रागी, और रागी या फिर फिंगर मिलेट इसको अंग्रेजी में बोलते थे। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस प्लांट है, क्रॉप है, जिससे हमें बहुत ही फाइबरस डाइट मिलती है, और इसमें हमें एक एमिनो एसिड भी मिलता है। और आपको पता है कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारी बॉडी की वियर टियर को दूर करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेथियोनाइन नाम का एक अमीनो एसिड इसमें मिलता है रागी में या फिंगर मिलेट में, और रागी या फिंगर मिलेट का बोटेनिकल नेम है एलियोसाइन कोराकाना गायर्टन। एलियोसाइन कोराकाना गायर्टन इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रागी और फिंगर मिलेट। ठीक है जी, नेक्स्ट इन लाइन हमने जो तीसरी टाइप की क्रॉप्स उठाई है वो है पल्स क्रॉप्स। देखिए पल्स क्रॉप्स मींस लेग्यूमिनस क्रॉप्स, मींस वो क्रॉप्स जिनका जिन जो फलियों के रूप में होती हैं, और ये भी प्रोटीन रिच होती हैं, इसलिए पल्सेस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ से प्रोटीन मिलता है इनसे। तो हमने इसमें 7 तरह की क्रॉप्स को रखा है, सोयाबीन को हमने पल्स क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा है, और सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम है वो है ग्लायसीने मैक्स। ग्लायसीने मैक्स का बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, ये इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सोयाबीन पल्स क्रॉप्स की कैटेगरी में है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसका है इंडियन काउपी। इंडियन काउपी इसको हम लोबिया भी बोलते थे, जिसको हम पंजाबी में बोलते थे चौड़ौंदियां फलियां। ठीक है जी, ये भी प्रोटीन रिच सोर्स है और पल्स क्रॉप्स की कैटेगरी में इसको रखा गया है, और इसका बोटेनिकल नेम जो इंडियन काउपी या लोबिया या चौड़ौंदियां फलियां का जो बोटेनिकल नेम है वो है विग्ना अंग्यूकिलाटा। विग्ना अंग्यूकिलाटा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ लोबिया। नेक्स्ट इन लाइन जो लिया हमने फ्रेंच बीन या फिर इसको राजमा, ये वन एंड द सेम थिंग है। फ्रेंच बीन को हम एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं, और उसकी जो फॉर्म दूसरी फॉर्म है उसको हम राजमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन रिच सोर्स होता है। और फ्रेंच बीन या राजमा का जो बोटेनिकल नेम है वो है फेजिलस वल्गारिस। फेजिलस वल्गारिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ फ्रेंच बीन और राजमा। नेक्स्ट इन लाइन हमने उठाया है चिकपी, जिनको हम बोलते थे काबुली चना। ठीक है जी, चिकपी का बोटेनिकल नेम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ चिकपी और काबुली चना, और इसको हमने रखा है किस टाइप की क्रॉप्स में, पल्स क्रॉप्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट इन लाइन है आपका पीजियन पी, यानी कि अरहर की दाल, जिसको हम रेड ग्राम भी बोल देते हैं, अरहर की दाल रेड ग्राम या फिर पीजियन पी, इसको हम पल्स टाइप्स की क्रॉप्स में रखा है हमने। ये तो खैर नाम से ही पता लगता है कि अरहर की दाल है तो पल्सेस हो गई है, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है अरहर की दाल का वो है काजानस कजन। काजानस कजन CAJAN, इसका बोटेनिकल नेम आपने याद रखना है, ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है आपकी क्रॉप जो पल्स क्रॉप की कैटेगरी में आती है वो है उड़द बीन। उड़द की दाल जिसको हम ब्लैक ग्राम भी बोल देते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना मुंगो। विग्ना मुंगो इज द बोटेनिकल नेम ऑफ उड़द बीन। लास्ट है इसमें जो मोठ बीन, मोठानी बीन, जी अपने मोठ आप सर्दियों से इस्तेमाल कर रही है, वो मोठ बीन है, ये भी पल्स की कैटेगरीज में रखा गया है इसको, और इसका जो बोटेनिकल नेम वो है या तो सिंपली विग्ना या फिर फेजिलिस एक्नोटिफोलिया। फेजिलिस एक्नोटिफोलिया इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मोठ बीन। ठीक है जी, तो हमने 12 टाइप्स की क्रॉप्स में 3 टाइप्स की क्रॉप्स की बात करी है, और उनके बोटेनिकल नेम को याद करने की कोशिश करी है। बार बार 2-3-4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पेपर में सवाल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार हो सकता है कि बोटेनिकल नेम किसी ना किसी क्रॉप का पूछा जाए, तो आप इन 3 क्रॉप्स को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट 3 क्रॉप्स की डिस्कस हम कल करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।